यार सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी मेरी, इतना अच्छा सपना आ रहा था मेरे को कि टाटा 35,000 करोड़ रुपए में मेरी दुकान टेक ओवर कर रहा है। ओहो, 70 रुपए की लूंगी सपने 35,000 करोड़ के। अरे सपना मेरे दिमाग में आ रहा था, लूंगी में थोड़ी आ रहा था। 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए मेरी दुकान टेक ओवर कर रहा है टाटा। टाटा टाटा ने ये बात सुन ली, वो अपना चाटा लेके घर से निकल चुके हैं वो। अच्छा मैंने टाटा बोला इसने चाटा। मैंने टाटा बोला तो इसलिए टाटा चाटा लेकर निकल गया। अगर मैं अंबानी बोलता तो? तो अंबानी तेरे सपने में क्यों आएगा भाई? अच्छा टाटा कैसे आ गया भाई? वो तो चैरिटी करते रहते। मैंने कितनी बार कहा डायलॉग मुंह से याद किया कर, ये हाथों से याद करता है। हाथ अटक जाता तो फिर भूल जाता है। Oh my God, यार तुझे नहीं पता वो चैरिटी करते इसलिए तेरे सपने में आ गए। अच्छा चैरिटी करते यार, मुझे कभी पता नहीं चला। मैं तो यार पैसे देकर नमक लेता रहा हूँ उनसे। नमक नहीं, बादाम खा लो थोड़ी अकल आएगी। बादाम खाने से अगर अकल आती ना तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते। ड्राई फ्रूट के नहीं, ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे। बादाम खाने से अगर अकल आती ना तो ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे आज साइंटिस्ट लगे। यार कुछ करो ना, मुझे नहाना है। मेरे साथ चलो। अरे यार मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोर्ट चलते रास्ते में तालाब आएगा वहाँ नहा लेना, मेरे साथ चलो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। अच्छा मैं तालाब में क्यों नहाऊंगी? अरे वहाँ मछलियाँ होंगी, सी फूड खाएंगे। और अगर मगरमच्छ आए तो वो सी फूड खाएगा। मजाक कर रहा हूँ। तालाब में सब नहाते हैं, वहाँ नहा लेंगे। वकील साहब ये बात है सच्ची की अफवाह है कि आप तालाब में डूबते नहीं? आपको शर्म नहीं आती जुलाब की उम्र में आप तालाब में नहाने की बात कर रहे हैं? लॉटरी तुम मेरे साथ मालदीव्स चलो, आ जाओ। एक मिनट भाई साहब, इसको तो मालदीव्स कोई भी ले जा सकता है। अगर हिम्मत है तो मुझे मालदीव्स ले जाके दिखाओ। वो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने उसको ऑफर किया। तो मैं भी अच्छा लगता हूँ। और मेरी बात सुनो, जब तुम पैरों हुए तुम कभी बच्चे नहीं लगे, अच्छे कहाँ से लगे होगे तुम? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग मालदीव्स नहीं जा सकते, समझे? क्यों? तुम्हें पता है मालदीव्स वैसे होता क्या है? मालदीव्स बहुत अच्छी जगह है। मेरे मम्मी पापा का हनीमून मनाने का सपना था वहां पे, वो नहीं मना सके ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस। उनको पता था ना कि रिजल्ट यही आना है, फिर चाहे मालदीव्स जाओ चाहे मलाड। यार मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। बार बार तुम रिजल्ट रिजल्ट की बातें करते रहते, क्या कमी है मुझ में मुझे ये बताओ? कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था मैं। स्कूल का बोल, कॉलेज तो गया ही नहीं। आपको पता अर्चना जी, एक ही शक्ल के 7 इंसान होते दुनिया में। ये जब पैदा हुआ ना तो बाकी 6 मुकर के कहते हमको होना ही नहीं पैदा। तुम क्यों हंस रहे हो? फनी बात है, तुम्हारे जैसे तो 7 के 7 पैदा हुए थे लेकिन एक ही बॉडी में। देखो कैसे कस के बंधे हुए 7 के 7। आप लोगों लड़ो मत, पानी के बारे में सोचो। मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। तो मेरे साथ रह लो, मैं बिना नहाए रह लेता हूँ। मैं जा रही हूँ। पर तुम ये ना बोला करो मैं जा रही हूँ, फिर ऑडियंस उठ के चली जाती है। तुम कहा करो मैं आ रही हूँ, दिल लगा रहता है। ठीक है होटल मैं आ रही हूँ। अरे ओला रूट के चले गए, थोड़ा इन बातों को छोड़ो, मेरा आइडिया सुनो। क्या? एक काम करते हैं हम लोग ना, कंकड़ ढूंढते हैं, कंकड़। मैंने कहानी में पढ़ा था कंकड़ डालो तो पानी ऊपर आता है। तो लाला जी कंकड़ डालने किसमें? आपकी नाभी में। यार देखो ये मेरी नाभी है, तुम्हारी भाभी नहीं है जिसके साथ तुम मजाक करते फिर। और आगे से ना तमीज से बात करो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम पे केस करके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। केस करने के बाद मुंह कौन तोड़ता है? ठीक है तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम पे केस कर दूंगा। यार मेरा मुंह तोड़कर मुझ पे तुम केस कैसे करोगे? अरे यार मैं अपना मुंह तोड़ के तुम पे केस कर दूंगा, पर केस मैं करूंगा। इतनी
चिलम चिली क्यों हो रही है? जब तुम्हें पता है ऑलरेडी इधर चिलम चिली हो रही है तो अपना चिलम जैसा मुंह लेके इधर चिल करने क्यों आती हो? मुझे समझ में नहीं आता तेरा काम कोई होता नहीं तो क्यों आती इधर? देखो कप्पू, बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। तो कोई सा भी सही समय देख के निकल लो, उसमें क्या है? यार मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? ये देखो, मोहल्ले में पानी खत्म हो गया, मेंढक को पता ही नहीं चला। मेंढक को चलो नहीं पता चला, हिप्पोपोटामस को क्यों तकलीफ हो रही है? ओए हिप्पोपोटामस होता है। ओए पोटैटो हो या टोमेटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बुरी को कोई कुछ नहीं कहेगा। बस थैंक यू चंदू। नहीं थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है, मैं बुरी तुम्हारे लिए जग जहां से लड़ जाऊंगा। जग जहां, उस दिन तेरे डैडी को सब्जी वाले ने पीटा, उनको तो बचाया नहीं तूने। हाँ तो बुरी मुझे अच्छी लगती, डैडी नहीं अच्छे लगते। देखो गुड़िया जैसी दिखती है। ये गुड़िया कहाँ से लगती है? यार कल अर्चना जी नहीं बोल रही थी कि आज पापी गुड़िया शूट नहीं है? खबरदार मेरे बारे में कुछ बोला तो याद रखना, बात सुन के जो चुप रह जाए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वैसी छोड़ो, तुम तो कैसी भी लड़की नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ इन दोनों की शक्ल देखो, ये तो फिर भी अच्छे दिखते हैं। अब मुझे देखो, मेरे जैसा आदमी भी तुम पे लाइन नहीं मारता, सोचो। लाइन मारने से क्या है? हाँ याद रखना, बिल्ली जितना मर्जी ट्राई कर ले, टाइगर नहीं बन सकती। यार क्या है, बिल्ली टाइगर मगरमच्छ, ये हमारा शो सोनी पे आता है कि जानवरों के चैनल पे आता है? जानवर ही जानवर, जानवर ही जानवर। यार पानी के बारे में सोचो दोस्तों। मुझे याद आया, मैंने तो कल रात को ही दो बाल्टी पानी भरा है, तो मेरे नहाने का इंतजाम तो हो चुका है, तुम लोग सोच लो। मुझे पक्का पता है बुरी बहुत अच्छी है, सच्ची में बहुत अच्छी। देख लेना मुझे पानी ऑफर करेगी ये। मैं ना बड़े सालों से ये सोच रहा था, ये इन लोगों की बात छोड़, मेरे को शुरू से पता था कि बहुत टैलेंटेड है, तुम्हें तो मिस इंडिया होना चाहिए था। अच्छा? बल्कि मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ इंडिया वहाँ वहाँ मिस हो जाओ तुम। यार जहाँ जहाँ मिस है वहाँ वहाँ इंडिया हो जाओ तुम। तो इनको चापलूसी की आदत है नहीं तो इनसे हो नहीं रहा। लेकिन मुझे क्लियरली बताए, साफ साफ बताए, ये लड़की पानी सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार को ही देगी। रिश्तेदार कैसे? अरे तुम्हें याद नहीं, 14 साल पहले मेरा तुम्हारे पापा के साथ झगड़ा हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा भग साले। उस कायदे से मैं तुम्हारा मामा हुआ, तो दो पानी। देखो पानी दे दो, वरना वरना क्या, वरना पानी की जमाखोरी का केस कर दूंगा तुम पे। अरे दो बाल्टी पानी की जमाखोरी का केस कौन करता है? तो कि जुगलखोरी का केस कर दूंगा, सीना चोरी का केस कर दूंगा, कोई ना कोई गोरी छोरी छोरी का केस कर दूंगा मैं तुम पे। मेरी बात सुनो, सोनाक्षी सिन्हा आने वाली है, मेरे को दे दो दो बाल्टी, मैं नहाया नहीं हूँ। तो सोनाक्षी सिन्हा इधर इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, जब जो नहीं नहाया उनको पकड़ने के लिए आ रही है। बुरी पानी मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पानी, मुझे पानी उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। क्या पूरी तुम पैसा पैसा लगा रखी है, पैसा हाथ की मैल होती है। तो मैल के हिसाब से तो तुम करोड़पति हुए। अरे रे रे रे, इतना गंदा है ये। नहीं नहीं, इतना गंदा है ये। मेरी बात सुनो यार, शो जब शुरू होता है, 1 घंटा शो चलाते हो तुम, उसमें से 40 मिनट स्पॉन्सरों के नाम लेते हो, उनमें से किसी एक स्पॉन्सर से तुम पैसे ले सकते हो? ठीक है मैं पैसे दिला देता हूँ स्पॉन्सर से। और मेरी बात सुनो, नहाना किसी ने नहीं, थोड़ा थोड़ा मुंह धो लेते हैं, ठीक है? 1.5 बाल्टी तो उनका मुंह धोने में लग जाएगी। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम नीचे लेट जाना, पानी जो नीचे आएगा उससे तुम अपना मुंह धो ले। ठंडा ठंडा पानी से नहा के मजा आ गया। ओहो, एक सेकंड, तुम्हें पानी कहाँ से मिला? कोई भूल गया 2 बकेट पानी होटल में। बेवकूफ, होटल में पानी कौन भूल के जाता है? तुम बिना तुम्हारे वजह से मेरे 1000 का नुकसान हो गया आज, और आपके वजह से जो चैनल का 200 का नुकसान होता है वो तुम्हारी वजह से तो सोनी की शेज ऊपर चले जा रहे हैं ना, बेवकूफ औरत। अरे नहाना था तो कम पानी में नहा ली थी, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से देश में पानी की प्रॉब्लम चल रही है। 1 मिनट, आप भी तो नल खोल के ब्रश करते हो ना? ओ बुरी, ब्रश नल खोल के नहीं, मुंह खोल के करते हैं। मुझे क्या समझा रहे हो, तुम भी तो नल खोल के शेव करते हो। तो इतने से पानी से क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, याद रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, ऑन ए सीरियस नोट, अगर हम अभी भी पानी की कीमत नहीं समझे तो फिर कोई भी कीमत आप पे कर दो,
पानी की समस्या हल नहीं होगी आने वाले समय में, बता रहा हूँ। बात तो फिर हम क्या करें? अरे पानी बचाते ना हम लोग, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते? अरे हाँ, गुड गुड, ये सही है। आप सब लोग मेरे साथ हो? हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्यों? पहले मुझे बताओ तो ये होता क्या है? ओए, ये बारिश का पानी जो होता है ना, अच्छा, उसको सेव करते हैं ताकि वेस्ट ना हो, उसका इस्तेमाल करो बाद में। छोटा कुआं बनाना है? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे निकालो सारे। पैसे कहाँ से निकालूं, मैं तो तौलिए में हूँ। जब पजामा पहनते तो अंदर एटीएम लगा होता है तुम्हारे। पानी का आवाज आ गया, पानी आ गई, पानी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.